नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। किसानों के द्वारा धान क्रय केंद्रों पर किसानों का अनशन। 1 नवंबर से खुले सेमरी ग्राम सभा में क्रय केंद्र पर आज भी ताला लटक रहा है, जिसके कारण क्षेत्रीय किसानों को अपना तैयार धान बेच पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसानों के द्वारा क्रय केंद्र को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन उच्च अधिकारियों की नजर में किसानों की यह समस्या आम बात नजर आई, जिससे नाराज होकर किसानों के द्वारा उप जिला अधिकारी कर्चना को ज्ञापन देते हुए अनशन पर बैठा गया और लगभग 20 घंटे से अनशन पर बैठे किसान सेमरी क्रय केंद्र के बाहर अलाव जलाकर के पूरी रात अनशन पर बैठे रहे। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा, तब तक इन क्षेत्रीय किसानों के द्वारा अनशन किया जाएगा। अनशन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा बताया गया कि कर्चना क्षेत्र में कुल 21 क्रय केंद्र संचालित हैं, लेकिन वे सभी केवल कागजों पर ही अपनी खरीद दिखा रहे हैं और किसान व्यापारियों व बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में धान बेचने के लिए विवश हैं। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ग्राम सभा सेमरी बढ़ा के निवासी है। यहाँ पे हम लोगों का धान कोई नहीं पूछ रहा है। हम लोग जो भी रखे हैं घर पे रखे हैं, पूरे गांव में किसी से पता लगा जी किसी से पूरा धान यहाँ रखा हुआ है। हम लोग यहाँ रखे हैं और कोई धान हमारे लोग की पूरी फसल जो बीजमारी हुई है, हम लोग बरसात हुई है, पूरी बुआई कर किए हैं, पूरा नष्ट हुआ है। तो ये क्रय केंद्र पर कभी खरीद हुई है या नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं। यहाँ हम लोग जब भी आए हैं तो यहाँ ताला लटका है, ये बोर्ड यहाँ सामने टंगा हुआ है और यहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। हम लोग आए और बस चले जाएं, तो इतना काम से है। आप लोग बैठे, कोई अधिकारी सुनने के लिए आया आप लोगों? नहीं, एक अधिकारी आए थे वहाँ से, फिर उसके बाद वहाँ से चले गए, उसके बाद वहाँ कुछ बोले नहीं, फिर बोले कि आ रहे हैं, फिर कोई नहीं आया। हम लोग यहीं खुले आसमान के नीचे बस यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा तिरंजी लाल पासी। जो अनशन बैठे हुए हैं, किन कारणों से और कब तक अनशन चलेगा आप लोगों? ये किसानों का अनिश्चितकालीन अनशन है। ये लगभग जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, किसानों की जो मांगे हैं मूल चीज़ें धान प्लस जो बिजमरी हुई है हमारे यहाँ की, वो सारी चीज़ें मांगे हैं वो हमारी पूरी होगी, तभी हम यहाँ से उठ पाएंगे। तो अभी क्रय केंद्र पर ही आप लोग धरने जी? बिल्कुल बिल्कुल, खुले आसमान के नीचे, न गद्दा है न रजाई है न खाना है न पीना है, बस हमको यहीं रात भर देखना है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक दिन रात जो भी टाइम लगेगा हम यहीं हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। क्या नाम है? अनिलेश कुमार सिंह।